नमस्कार बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पठित गद्यांश छः और सात क्लास वर्क में और आठ होमवर्क में कर लिया था। तो हमारा पठित गद्यांश ख़त्म हो गया है। अब हम लोग अपठित गद्यांश से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अपठित गद्यांश आठ, ये हमारा टर्म टू के सिलेबस में है, तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। इसमें क्या है, लड़का श्रवण बहुत ही न्यारा, अपनी माता पिता का प्यारा, अंधी माँ थी अंधे थे पिता, वह उनकी आँखों का तारा। ये पेज नंबर 14 पेज नंबर में दिया हुआ है, तो आप लोग भी अपने बक्सीट का पेज नंबर 14 निकाल लीजिए, ताकि क्लास वर्क आप साथ साथ करते जाएं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने अपनी अपनी वर्कशीट निकाल लिए होंगे। चलिए अब उसमें देखिए, लड़का श्रवण बहुत ही न्यारा, अपनी माता पिता का प्यारा, अंधी माँ थी अंधे थे पिता, वह उनकी आँखों का तारा। श्रवण की कहानी शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, उसके माता पिता दोनों अंधे थे, ठीक है। तो अब इसके प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। हमारा पहला प्रश्न है, श्रवण कैसा बच्चा है। श्रवण कैसा बच्चा है, तो चलिए अब हम लोग अगले पेज में इसका उत्तर लिखेंगे। तो अगला पेज पेज नंबर 15 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, श्रवण कैसा बच्चा था, तो उसका उत्तर होगा, श्रवण न्यारा बच्चा था। ठीक है, श्रवण न्यारा बच्चा था। फिर प्रश्न ख है हमारा, श्रवण के माता पिता कैसे थे। श्रवण के माता पिता कैसे थे, बताइए। तो इसका उत्तर होगा, श्रवण के माता पिता अंधे थे। ठीक है, श्रवण के माता पिता अंधे थे। चलिए देखकर दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए। श्रवण के माता पिता अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था। चलिए उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। अब ग में प्रश्न ग, खाली स्थान भरो। तो जो हमारा पद्यांश दिया हुआ है उसे देखकर जो मिसिंग शब्द है उसे भरना है। लड़का
डैश बहुत ही न्यारा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, श्रवण, क्या हो जाएगा, श्रवण, लिखिए देखकर, अपनी माता पिता का प्यारा। अंधी माँ थी, अंधे थे पिता, वह उनकी आँखों का तारा। चलिए देखकर कंप्लीट कर लीजिए फटाफट, पठित गद्यांश 8 आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपठित पद्यांश 9 की तरफ। अब हम लोग अपठित पद्यांश 9 की तरफ बढ़ते हैं। मेरे माता पिता हैं प्यासे, मेरे साथ साथ बोलते जाइए, मेरे माता पिता हैं प्यासे, जाकर उनको पानी दे दो। क्षमा किया दशरथ को उसने और नींद में सोया बेचारा। ठीक है, ये हमारा पद्यांश है। अब इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। ठीक है, तो ये पेज नंबर 15 में है। दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। प्यासे कौन हैं, बताइए, इसमें क्या लिखा था पैसेज में, मेरे माता पिता हैं प्यासे, तो यहाँ उत्तर में क्या होगा, प्यासे माता पिता हैं। चलिए देखकर लिख लीजिए। प्यासे माता पिता हैं। अब हम अगले पेज में, पेज नंबर 16 में जाएंगे। ख में देखिए, किसे क्षमा किया, तो इसका उत्तर क्या होगा, राजा दशरथ को क्षमा किया, राजा दशरथ को क्षमा किया। अब ग है प्रश्न, खाली स्थान भरो, तो देखिए, मेरे माता पिता हैं प्यासे, जाकर उनको पानी दे दो। क्षमा किया दशरथ को उसने और नींद में सोया बेचारा। चलिए देख कर कंप्लीट कर लीजिए आप लोग।
चलिए, उम्मीद है आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। अब अपठित गद्यांश 10। विनय बहुत होशियार लड़का है, हर बात उसे पता होती है। वह झट से खड़ा हुआ और बोला, मैम मैं बताऊं? शाबाश विनय, बताओ बाल दिवस क्या है? शिक्षिका बोली। अपने बाल पकड़कर विनय बोला, मैम यह सिर के बालों को संवारने का दिन है। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। अब ये पूरा गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर लिखना है। विनय कैसा लड़का है बताइए। तो ये आपको आज के होमवर्क में करना है। ठीक है, ये आज का होमवर्क हो गया आपका, अपठित गद्यांश 10। इसे आप 2 times अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर दिए गए प्रश्नों को पढ़कर आपको उत्तर देना। दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। विनय कैसा लड़का है आपको पैसेज में से देखकर यहाँ लिखना है। फिर है, अपने बाल पकड़कर विनय क्या बोला, तो इस पैसेज में आपको दिया हुआ है, वो आपको लिखना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, जोर जोर से कौन हंसने लगे। ठीक है, एक विशेषण वाला शब्द लिखो और शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द लिखो। तो इतना आपका होमवर्क में है, उम्मीद है आप लोग फटाफट कर लीजिएगा। अब एक अपठित गद्यांश 11 रह गया है, जो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। इस प्रकार हमारा रिवीजन शीट भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।